अब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से प्रजातंत्र का अपहरण और लोकतंत्र का चीरहरण किया है। अभी तक हमने केवल ये देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब ये कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं, क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। अभी तक ये हिंदुस्तान के आम आदमी के बाथरूम और बेडरूम में झांककर उसका बेटा, बेटी, पत्नी, मां बाप क्या देखते हैं या क्या करते हैं, अभी तक ये इस तक सीमित था। संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के हनन तक सीमित था, पर अब ये बात उससे भी आगे बढ़ गई है। जब प्रधानमंत्री और मोदी सरकार प्रजातंत्र की हत्या करें, मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, मोदी सरकार ने संविधान को पांव तले रौंदा है, मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है, और मोदी सरकार ने पिगेसस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब ये सारी परतें खुल गई।